الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم صدر مجلس امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا جمعیت علماء اسلام کے تمام اضلاع کے عمرا نظما عامل جات جمعیت علماء اسلام کے سرفروش کارکنوں خیبر پختونخوا کے غیرت مند جرت مند باسیوں آج تقدس حرمین کے حوالے سے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے اور آپ نے جس جذبے اور شوق سے جس ولولے سے آج اس اجتماع میں شرکت کی ہے آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں لیکن ہم تقدس حرمین پر کسی قسم کی اگر اس کی حرمت میں کمی کی جائے گی اگر ناموس صحابہ کی ناموس رسالت کی توہین کا کوئی مرتکب ہوگا تو پھر خیبر پختونخوا کا مسلمان اس کے خلاف عالم جہاد بلند کر کے اس کے خلاف اپنا فیصلہ دے بھی چکا ہے اور انشاءاللہ آج بھی اسی عزم کے ساتھ اس میدان عمل میں کھڑا ہے کہ ہم کسی قسم کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج تفصیلاً خطابت ہمارے اکابر نے آپ کے سامنے کی ہے اور انہوں نے آپ کو اس حساس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار سے محروم کیے گئے ہیں، جن کو اقتدار کے محلات سے بے دخل کیا گیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا جذبہ اور خواہش یہ تھی کہ ہم نے جمعیت علماء کو اقتدار سے باہر نکالا، ہم 2028 تک حکومت بھی کریں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے علماء کی سیاست کو دفن کر دیا ہے،
उलमा की सियासत को खत्म कर दिया है। मैं सलाम पेश करता हूं आपकी इस कमिटमेंट का, जो आपकी अपनी कयादत के साथ रही। जिस तरह पौने चार साल आप अपनी कयादत की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मैदान अमल में उनके साथ रहे, आपने साबित किया। और इन्होंने तो हमारी सियासत दफन की थी, इन्होंने तो हमारी हमें सियासत से बेदखल करना था, लेकिन हमने इनकी हुकूमत के अंदर इनकी हुकूमत को भी गिराया, अपनी हुकूमत भी बनाई। और जब तक हम चाहेंगे हुकूमत करेंगे, और जब हमारी मर्जी होगी पाकिस्तान में इंतखाबात का ऐलान कराएंगे इंशाअल्लाह। इस बात का जिक्र किया जाता है, इस बात का जिक्र किया जाता है कि इक्तदार से बेदखल होने के बाद उनके जलसे भी बड़े अच्छे हैं। हमने जलसों का ऐलान नहीं किया था। आज जमीयत उलमा का दूसरा जलसा है। पहला जलसा बाबुल इस्लाम सिंध में मुनक्किद हुआ। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं। जमीयत उलमाए इस्लाम कराची और हैदराबाद की जमात को कि उन्होंने जिस तरह अपनी कयादत की आवाज पर लब्बैक कहा, आज खैबर पख्तूनख्वा की जमात को आप कारकुनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने उनको कहा कि उनके जलसे भी बड़े होते हैं बकौल आपके, लेकिन हमारे जलसे भी आकर देख लो। उनके जलसों से आप तमाशे को हटा दें, साजो सुरूर को हटा दें, बाजियों को हटा दें, फिर देखें उनके जलसे कैसे कामयाब होते हैं। आज अगर जमीयत उलमा के साथ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इस जज्बे के साथ खड़ी है, तो ये उसी नजरिए की बुनियाद पर, उसी अकीदे की बुनियाद पर जो इस सूबे के अवाम को मुफ्ती महमूद ने दिया था, जो इस सूबे की अवाम को, जो इस बर्रे सगीर की अवाम को हजरत मदनी ने दिया था, शेखुल हिंद ने दिया था। आज भी हम उसी परचम नबवी के साए तले अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपने इक्तदार का ऐलान जब अवाम के उस वोट से, जो हम इस अवाम को देना चाहते हैं, हुकूमत बनाएंगे तब आपको बताएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा तुम्हारे वोट पर भी हम अपनी हुक्मरानी के मजे करेंगे। ये वही पार्लियामेंट का वोट है जिसको तुम अवाम की हकीकी तर्जुमानी कहते थे या नहीं कहते थे कि नहीं, कि ये अवाम की नफरत की बुनियाद पर है मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जिस पर मैं इक्तदार कर रहा हूं। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि जो लोग उसकी इक्तदार की तरफ गए थे उनका भी हमारे साथ इस बात पर इत्तेफाक था कि इंतखाबात में धांधली हुई है, और हम साफ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं।
हमारी मुत्तहिदा अपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद भी इस बात पर डाली कि हम साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, और हम आज भी अलल ऐलान कहते हैं कि हम इस्लाहात के साथ इंतखाबात में जाएंगे। हम साफ इंतखाबात का इनेकाद करना चाहते हैं, शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करना चाहते हैं। तुमने पौने चार साल में मुतनाजा कानून साजी की, तुमने पौने चार साल में पाकिस्तान की सियासत को तबाह बर्बाद किया, तुमने पौने चार साल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर हम इख्तदार में आए हैं तो मुझे बताया जाए कि पाकिस्तान पर हुक्मरानी वो पार्लियामेंट के मेंबरान ने करनी है या फिर किसी दूसरे इदारे के सरबराहान ने करनी है। तय किया जाए। हम ये बात तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत में तने तनहा पाकिस्तान का सियासतदान उसके माशी बहरान से नहीं निकाल सकता। मैं ये बात तस्लीम करता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का हुक्मरान, पाकिस्तान का सियासतदान उसकी मईशत को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन ये दावत फिक्र देना चाहता हूं अपने सियासतदानों को भी, अपने इदारों को भी, कि बहुत हो चुका। पाकिस्तान की आवाम के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, पाकिस्तान के लोगों के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करना होगा। आज भी जमीयत उलमाए इस्लाम अपने मंशूर पर कायम है कि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान में मुसलमानों की मुंतशर कुव्वत को एक जगह पर जमा करके उसको पाकिस्तान की मईशत के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तान की मुंतशर कुव्वत को जमा करके पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। पाकिस्तानियों की मुंतशर कुव्वत को जमा करके उम्मते मुस्लिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। आप बताएं, क्या आप चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान में आईन की बारादस्ती हो, आईन कानून की हुक्मरानी हो? अगर चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें और बताएं उन लोगों को कि जो मजहब के नाम पर अगर कोई आवाज बुलंद करता है और हाथ में बंदूक उठाता है, उसके खिलाफ तो इदारे फौरी तौर पर मुतवज्जे हो जाती है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त सदारती महल में बैठा हुआ आरिफ अलवी और मरकंड के अंदर सूफी मोहम्मद के किरदार में क्या फर्क है? वो शरीयत मांग रहा था, ये रियासत मदीना मांग रहा है। वो इदारों पर तनकीद करता था, ये भी इदारों पर तनकीद कर रहा है। वो पार्लियामेंट पर हंसता था, ये भी पार्लियामेंट पर हंसता है। अगर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर इदारों को भी क्या जिम्मेदारी पूरी करने का, उनकी उनके फराइज मनसबी में शामिल नहीं? क्यों उसको सदारती महल में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? अगर कल कोई किसी और अच्छे उन्वान से
पाकिस्तानियों को पुकारेगा और गलत रास्ते से आएगा तो क्या आप उसके इस किरदार को तस्लीम करने के लिए तैयार होंगे? सबसे बढ़कर कुर्बानी अगर पिछले दो दिहाइयों में किसी ने दी है तो वो जमीयत उलमा के अकाबरीन ने दी है, जमीयत उलमा के कारकुनों ने दी है। अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत इन भगोड़ों को जिनको हमने इक्तदार के ऐवान से भगाया है, जिनको हमने, और ये कहते हैं कि उलमा अगर मेंबर पर सियासत की बात करेंगे हम उनको मसाजिद से बाहर फेंक देंगे। तुम तो हमें फेंकोगे, हमें फेंक भी सकोगे या नहीं, लेकिन हमने तुम्हें इक्तदार से भी फेंका और उन कॉलोनियों से भी जिन कॉलोनियों में तुम 10 साल के लिए आए थे बाहर फेंका है। और अभी तो हमने शुरुआत की है, तुम्हारी चीखें वो आसमान तक पहुंच रही हैं। अभी तो हमने तुम्हें और घसीटना है, अभी तो हमने तुमसे 4.25 साल का हिसाब लेना है, अभी तो हमने तुम्हें और थकाना है, फिर तुम्हें बुलाकर कहना है कि आओ आईन के तहत पाकिस्तान में सियासी मुखालफत करो। जिस किस्म की बाजारी जुबान तुम इस्तेमाल कर रहे हो, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर कोई उसको इस्तेहजा के तौर पर पुकारता है और वो इस किस्म की ताबीर करता है जिस तरह की ताबीर उसने मुल्तान के जलसे में की, तो फिर मुझे बताया जाए कि जो मर्द जन उसके जलसे में ये बात करते हैं कि इमरान तेरे जानिसार बेशुमार, उनके बारे में तुम्हारे जहन में क्या तसव्वुरात होंगे? मैं वाज़ह तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की गैरतमंद आवाम को पुकार कर कहता हूं, मैं उनको दावत फिक्र देना चाहता हूं कि खुदारा इस किस्म के किरदार के आदमी से और उसके जलसों में अपने नौजवान नस्ल को भेजने से रोको, अपनी ख्वातीन को उसके जलसे में जाने से रोको। इस तरह की जहनीयत के लोग जिसने पाकिस्तान की माशरे को बदबूदार किया, हम उसके खिलाफ इस महाज पर आज भी सफारा है और आज भी हम अपनी क्यादत से अहद करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी आवाज पर हम लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कहते हैं, लब्बैक कहते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। और एक आखिरी बात करना चाहता हूं पेशावर के लोगों से कि इंशाल्लाह अगर मैंने हमारी क़यादत ने, हमारे इत्तेहादियों ने अगर हुकूमत पूरा करने का के ऊपर इत्तेफाक किया तो आपका ये नॉर्दर्न बाईपास जिसके लिए आप 22 साल से इंतजार कर रहे हैं इसको अपने वजारत में पूरा करके इंशाल्लाह पेशावर के शहरियों को तोहफा दूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।